हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एल आर सोलंकी, मिशन इन नर्सिंग क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों अपन जो डिस्कस करेंगे डाइजेस्ट सिस्टम पार्ट टू का, और दोस्तों ऑल सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। और दोस्तों अपन पार्ट टू की तरफ डिस्कस करने से पहले एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, ऑल सब्जेक्ट वाइज जो बेसिक क्वेश्चन हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हर एग्जाम में आते हैं, उनका मैंने आपको हर सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसके आप सेल्फ नोट्स बनाइए, जो बोलते हैं एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ना होता है, शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं, वो आपके मुश्किल से 50 से 100 पेज में पूरे कंप्लीट आ जाएंगे। बट आप पूरे सब्जेक्ट के रिविजन हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अपन ने ऑल सब्जेक्ट पढ़ लिया है, अभी अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी विथ एमएसएम चल रहा है, इसका भी अपन हर सिस्टम वाइज मैं आपको पूरा वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपके लिए बहुत यूजफुल रहे। तो दोस्तों अपन पार्ट टू की तरफ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपन डिस्कस लास्ट क्लास में कर चुके हैं, अभी 14 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14 क्वेश्चन, डिस्टेंस एब्डोमन एंड एब्सेंस ऑफ द बोल साउंड आफ्टर एब्डोमन सर्जरी इंडिकेट। डिस्टेंस एब्डोमन, एब्डोमन डिस्टेंस हो रहा है और बोल साउंड क्या है, एब्सेंट आफ्टर एब्डोमन सर्जरी, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है, पैरालिटिक इलियस, ऑप्शन बी। अभी दोस्तों अपन इसका रेशनल की तरह डिस्कस करते हैं कि है होता क्या पैरालिटिक इलियस। तो दोस्तों जो जो आपकी इलियस है, इलियस का पैरालिसिस होना, नॉर्मली भाषा में अगर बोला जाए तो पैरालिटिक इलियस मीन्स पैरालिसिस ऑफ द इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल विद एब्डोमन डिस्टेंशन एंड बोअल साउंड एब्सेंट। बोअल साउंड एब्सेंट रहती है, एब्डोमन डिस्टेंशन होता है और बोअल साउंड एब्सेंट की वजह से इनएबिलिटी टू गैस फ्लेटस, ठीक है, इनएबिलिटी टू पास फ्लेटस। इसके अलावा जो पैरालिटिक इलियस है वो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूट फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अभी दोस्तों आपको ये एक इमेज दिख रहा होगा, उस इमेज के अंदर आप मैंने आपको अच्छे से बता रखी है कि ये आपके सपोज है पैरालिस इलियस, इलियस का ये पैरालिटिक हो गया, तो उसकी वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरालिटिक इलियस। इसमें क्या रहता है कि आगे अगर गैस पास नहीं होगा तो एब्डोमन डिस्टेंशन हो जाएगा और इसमें बोल साउंड भी क्या रहती है, एब्सेंट। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। हेमरॉइड रिजल्ट फ्रॉम, हेमरॉइड्स जिसको अपन पाइल्स भी बोलते हैं, किसका रिजल्ट है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी एक्सरसाइज, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी हाई कैलोरी डाइट। राइट आंसर क्या है, हेमरॉइड रिजल्ट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ए रहेगा। अभी दोस्तों इसका अपन डिस्कस करेंगे कि जो हेमरॉइड है, हेमरॉइड का दूसरा नाम क्या है, पाइल्स। इसके अलावा जो हेमरॉइड्स है क्या होता है, हेमरॉइड्स आर स्वेल वेन्स इन योर लोअर रेक्टम, जो लोअर रेक्टम की जो वेन होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा हेमरॉइड टू टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल हेमरॉइड्स, एक एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। जो इंटरनल हेमरॉइड्स रहता है वो क्या रहता है, पेन लेस रहता है बट टेन टू ब्लेड ब्लेड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। एक्सटर्नल हेमरॉइड में क्या रहता है, पेन ज़्यादा करते हैं, ब्लीडिंग थोड़ा कम होता है। इसके बाद में अपन थोड़ा आप इस इमेज की तरफ अगर थोड़ा देखोगे तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल का रियल मतलब क्या हो गया। देखो दोस्तों ये है हेमरॉइड्स, ठीक है, इस हेमरॉइड्स ये क्या है, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, और ये क्या है, इंटरनल हेमरॉइड्स। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स क्या रहते हैं, आउटर से आउटर की तरफ है, ठीक है, एनल स्पिंडर के आउटर की तरफ है, और ये कहाँ है, अंदर की तरफ है, ठीक है, इसलिए इसको इंटरनल बोला जाता है, इसको एक्सटर्नल बोला जाता है। अभी दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं, जो कोलेनसाइन फाउंड इन विच डिजीज, कोलेनसाइन कौन सी डिजीज में प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन बी कोलेसाइटिस, ऑप्शन सी पेनक्रियाटिस, ऑप्शन डी सिरोसिस ऑफ द लिवर। तो दोस्तों जो कोलेनसाइन है, कोलेनसाइन किस में प्रेजेंट रहता है, वो रहता है पेनक्रियाटिस में, राइट आंसर क्या है, सी। अभी दोस्तों अपन इसका रेशनल की तरफ मूव करते हैं, रेशनल की तरफ मूव करेंगे तो इसका देखो, बोथ कोलेन एंड टर्नर साइन इंडिकेट ऑफ द पेनक्रेटिक, कोलेन साइन और टर्नर साइन दोनों किसके इंडिकेशन है, पेनक्रेटिक
पेनक्रेटिस की। इसके बाद बात करते हैं कुलेनसाइड होता क्या है, टर्नरसाइड होता क्या है। कुलेनसाइड में क्या रहता है, ब्लूश डिस्कलेशन ऑफ द पेरिअम्बिलिकल स्किन कोज बी इंट्रापेरिनल हेमरोज। इसके अलावा बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ब्लूश डिस्कलेशन ऑफ द फ्लैंक ड्यू टू हाइपोकैल्सेमिया ऑफ द एब्डोमेन इनटू पेनक्रेटिस। इसके बाद दोस्तों इन एक्यूट पेनक्रेटिक सीरम लाइपेज लेवल एंड सीरम एमाइल लेवल आर इंक्रीज ड्यू टू सेलुलर डैमेज ऑफ द पेनक्रेज। तो दोस्तों अपन थोड़ा इसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बट इसके रिलेवेंट मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। पेनक्रेटिस में मॉर्फिन को कॉन्ट्राइंडिकेट माना जाता है। इसके बाद में जो टर्नर साइन और जो टर्नर साइन और कुलेन साइन है, इसमें क्या है, फ्लैंक में जो ब्लूस होता है वो फ्लैंक रीजन में रहता है और ये कहाँ रहता है, पेरिअम्बिलिकल रीजन में। आपको ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली लैंग्वेज में समझना है। फ्लैंक रीजन में फ्लैंक रीजन में जो ब्लूस डिस्कलेशन हो जाता है वो टर्नर सिंड्रोम में रहता है। और दोनों किसके सिम्टम्स है, एक्यूट किसके साइन है, एक्यूट पेनक्रेटिस के साइन है। और जो कुलेन साइन क्या है, कुलेन साइन पेरिअम्बिलिकल, ये सी आकार का आपको दिख रहा है। इसके बाद में इस इमेज से आप इमेज सेकेंड की तरफ आओ तो देखो ये कुलेन साइन है पेरिअम्बिलिकल रीजन के आसपास, ये टर्नर सिंड्रोम कहाँ है, ये फ्लैंक रीजन में, ये कहाँ है, फ्लैंक रीजन में। तो ये दोनों में डिफरेंस था। और मॉर्फिन को इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और एक इम्पोर्टेंट आपके लिए, और इन एक्यूट पेनक्रेटिस सीरम लाइपेज लेवल एंड सीरम एमाइलेज लेवल इंक्रीज ड्यू टू द सेलुलर डैमेज ऑफ द पेनक्रेज। पेनक्रेज में सेलुलर डैमेज होने की वजह से सीरम लाइपेज लेवल और सीरम एमाइलेज लेवल दोनों बढ़े हुए मिलते हैं। अभी दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चैनल आर ओपन ड्यूरिंग डीप पोलराइजेशन इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दौरान कौन सा चैनल ओपन रहता है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। राइट आंसर क्या है, सोडियम। सोडियम चैनल आर ओपन ड्यूरिंग द डीप पोलराइजेशन इन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के डीप पोलराइजेशन में सोडियम चैनल जो होता है वो ओपन रहता है। इसके बाद में आपको एक बहुत इमेज के माध्यम से आपको बताया है कि इसमें मैंने आप अच्छे से समझ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। सोडियम पोटेशियम, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, सोडियम एंड पोटेशियम पंप, इनको सबको आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स इन ब्लड आर एब्जॉर्ब। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स इन द ब्लड आर एब्जॉर्ब, जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन और ऑप्शन डी एब्डोमेन। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी राइट है। स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिशनल और वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं, ऑलमोस्ट 90%। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है उसके तीन पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट रहते हैं, तीन पार्ट रहते हैं। देखो दोस्तों जो स्टोमक है, स्टोमक से लगाकर जो अपनी ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसके बीच के भाग को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन रहती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले क्या रहता है, वो रहता है स्टोमक। इसके अलावा दो स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में स्पिंटर रहता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंटर। अभी दोस्तों ये आपका इसका व्यू था। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स ओरिजिन टू विच पार्ट, जो अपेंडिक्स का ओरिजिन कौन से पार्ट से होता है। ऑप्शन ए फ्रॉम सीकम, ऑप्शन बी फ्रॉम पेरिटोनियम, ऑप्शन सी फ्रॉम स्प्लीन और ऑप्शन डी फ्रॉम स्टोमक। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर फ्रॉम सिकम। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ए। अभी रेशनल की तरफ मूव करते हैं कि जो आपका अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स अटैच्ड टू द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लोकेट इन द राइट लोकेट इन द राइट इलियक फोसा। जो आपका अपेंडिक्स रहता है कौन से पार्ट से अटैच रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन से, और कहाँ पर लोकेट रहता है, राइट इलियम फोसा में। इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितना रहता है, 5 फीट 1.5 मीटर।
और अपेंडिक्स में जो मेक बर्निंग पॉइंट या मे और मेक बर्निंग पॉइंट रहता है और अपेंडिक्स के ऑपरेट के टाइम में, ठीक है, उसमें जो इंसिजन लगाया जाता है उसको बोलते हैं मेक बर्निंग इंसिजन, जिसका दूसरा नाम ग्रेडिसन इंसिजन भी बोल सकते हैं। और ये एब्डोमेन इंसिजन होता है कहाँ पे लगाया जाता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिक्स के लिए इंसिजन लगाया जाता है, जिस इंसिजन को बोलते हैं मेक बर्निंग इंसिजन या ग्रेडरेस इंसिजन। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ कितना रहता है 5 मीटर। इसके अलावा दोस्तों आप इसको थोड़ा देखोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आ सकता है, ठीक है। ये देखो एक जो हेल्थी इंटेस्टाइन है उसको बता रखा है, दूसरा अपेंडिक्स वालों को, दोनों में डिफरेंस क्या है, हेल्थी की जो अपेंडिक्स की तरह आप देखिए तो, और ये कहाँ है इंफ्लाक हो रही है, मतलब थोड़ा फूला हुआ है, इंफ्लामेशन हो रखा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, क्या बोलते हैं अपन अपेंडिसाइटिस। अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पेयर पेचेस आर प्रेजेंट इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन है स्टोमक, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी इलियम और ऑप्शन डी ड्यूडेनम। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर सी इलियम। इसका अपन रेशनल की तरफ मूव करते हैं, रेशनल की तरफ मूव करेंगे तो जो पेयर पेसेस हैं, ठीक है, वो कहाँ पे रहता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पोर्शन में रहता है। तो पेयर पेसेस आर स्मॉल मासेज ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू फाउंड थ्रू आउट द इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और आल्सो नोन एज द एग्रीगेटेड लिम्फोइड नोड, उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, एग्रीगेटेड लिम्फोइड नोड्स नोडल्स। दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम बाई मॉनिटरिंग इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया पॉपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। मतलब इसका इम्यून सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। ये क्या मॉनिटर करता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की भी, बैक्टीरिया कितना है उसको मॉनिटरिंग करता है। और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जैसे कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया रहता है, कुछ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया रहता है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया रहता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज, ऑप्शन ए गिंगिवाइटिस, ऑप्शन बी ग्लोटाइटिस, ऑप्शन सी सिलोसिस और ऑप्शन डी हेलियोटोसिस। तो दोस्तों जो इन्फ्लामेशन ऑफ द जो टंग है, ठीक है, टंग का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, बी, राइट आंसर क्या है, बी। इसके बाद में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं कि भाई सभी टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जो गिंगिवाइटिस वो क्या होता है, गिंगिवाइटिस आल्सो नॉन एज ह्यूलाइटिस और इट इन्फ्लामेशन ऑफ द गम और गिंगिवा। हेलियोटिस क्या होता है, ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ द ब्रीथ, अपने जो माउथ से जो बैड स्मेल आती है, ठीक है, ऑर्डर आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेलियोटिस। सिलियोसिस क्या होता है, जो लीफ रहता है फट जाता है, ओट फट जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिलियोसिस। और ये विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फिर अपन बात करते हैं जो सबसे जो कन्फ्यूजिंग टर्म है वो है स्टोमेटिस। स्टोमेटिस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि एक स्टोमक रहता है, एक स्टोमेटिस रहता है, ठीक है। जो इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक में रहता है उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस और जो स्टोमेटिस किसको बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द मुकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, जो माउथ की जो मुकस मेम्ब्रेन होती है उसमें अगर इन्फ्लामेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटोसिस। फिर अपन बात करते थोड़ा इसका, आप डायग्राम देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जो ग्लोटेसिस होता है, जो अपना जो टंग रहता है, टंग का इन्फ्लामेशन, अलग अलग नॉर्मल टंग कैसे रहती है, ये नॉर्मल टंग को बता रखा है, ये नॉर्मल टंग है। इसके बाद में आपके इसके अलग अलग जो इसके टाइप रहता है, उन सभी प्रकार के टाइप को बताए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको आप एक एक डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद में अपन दोस्तों बात करते हैं डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम क्या रहता है, डंपिंग सिंड्रोम इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑप्शन ए कोलेक्टोमी, ऑप्शन बी सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी, ऑप्शन सी नेफ्रेक्टोमी और ऑप्शन डी हिस्टेरेक्टोमी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए और इसका राइट आंसर आप जरूर देना। अगर आप आंसर दोगे तभी मुझे पता लगेगा भी आप रियली वीडियो देख रहे हो और आपको इंटरेस्ट है, ताकि और मैं बेटर से बेटर वीडियो ला सकूं। तो आपको जैसा भी आंसर आए आप ज़रूर देना, ताकि मैं उसमें करेक्ट ज़रूर करूँगा। किसी को अगर गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर अपना ज़रूर देना। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड सीक्रेट इन द सलाइवा,
सिलेविया के अंदर कौन सा एंजाइम फाउंड रहता है? ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी टेनिन और ऑप्शन डी पेप्सिन। तो दोस्तों जो आपका ये सिलेविया होते हैं उसमें कौन सा एंजाइम फाउंड रहता है, तो राइट आंसर क्या है, टाइलिन या एमाइलेज। अपन टाइलिन और एमाइलेज के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। जो सिलेविया होता है, ठीक है, सिलेविया, सिलेविया के अंदर, ठीक है, एंजाइम रहता है उसको बोलते हैं टाइलिन, और सिलेवरी एमाइलेज भी उसको बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो आपका स्टार्ट रहता है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक पोर्शन रहता है उसके डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो एक पहला क्वेश्चन तो आप यहाँ बन जाता है कि जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, माउथ से। सेकेंड क्वेश्चन, माउथ में किसका डाइजेशन होता है, वो रहता है कार्बोहाइड्रेट। थर्ड क्वेश्चन, अगर माउथ में डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा पोर्शन करता है, कौन से प्रोटीन्स का रहता है, किसका रहता है, ठीक है, तो वो रहता है कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च रहता है, स्टार्च का पाचन अपने मुंह में शुरू हो जाता है। इसके बाद में जो आपका अमाउंट ऑफ सिलेविया है वो कितना रहता है, 1500 ml पर डे, या अपन इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं 1 ml पर मिनट, 1500 ml पर डे या अप्रोक्स 1 ml पर मिनट। इसके बाद में बहुत सारे लड़कों के माइंड में क्वेश्चन भी रहता है और क्वेश्चन होना भी चाहिए कि जो आपका सिलेवरी एमाइलेज और जो पैनक्रेटिक एमाइलेज है दोनों में डिफरेंस होता है या सेम रहता है। तो देखो सिलेवरी एंड पैनक्रेटिक एमाइलेज रहता है, तो इसमें हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द एमाइलेज आर फाउंड इन सिलेविया एंड पैनक्रेज। जो एमाइलेज का जो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन किस में रहता है, पैनक्रेज में, और अपने जो लार रहती है सिलेविया में। जो सिलेविया में जो एमाइलेज रहेगा उसका टाइलिन एस टाइप का रहता है और पैनक्रेटिक में पी टाइप का रहता है। इसके अलावा कुछ पोर्शन में जो एमाइलेज जो आप कुछ पोर्शन में जो टाइलिन है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी रहता है। इसके बाद में दोस्तों जो मैंने आपको सिलेवरी ग्लैंड्स भी बताए, सिलेवरी ग्लैंड्स तीन पेयर होती हैं वुमन में, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। सभी के लोकेटेड पोर्शन भी बता रखे हैं, यहाँ पैरोटिड ग्लैंड्स रहती हैं, यहाँ सबलिंगुअल ग्लैंड्स रहती हैं, ठीक है, और यहाँ सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स रहती हैं। मैंडिबुल के पास में मैंडिबुलर सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, और अपन जो लिंगुअल्स जो सबलिंगुअल्स जो मेडिसिन लेते हैं वहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड्स और पैरोटिड ग्लैंड्स ये रहती है। इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसफेजिया मीन्स, ऑप्शन ए डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, ऑप्शन बी डिफिकल्ट इन वॉकिंग, ऑप्शन सी पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग और ऑप्शन डी डिफिकल्ट इन स्वेलिंग। तो दोस्तों डिसफेजिया का राइट मतलब क्या है, डिसफेजिया का राइट मतलब होता है डिफिकल्ट इन स्वेलिंग। अभी दोस्तों आप इस दोनों टर्म इमेज को देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो इनएबिलिटी टू स्वेल या डिफिकल्ट इन स्वेलिंग कॉल डिसफेजिया। डिसफेजिया का मतलब क्या होता है, जब कोई भी अपन निगलने में अपने को दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है, उसको डिसफेजिया बोलते हैं। और उसी के टाइम अगर निकलते टाइम पेन होता है उसको बोलते हैं ऑडिनोफेजिया। अब डिसफेजिया का अपन डिस्कस करो तो डिसफेजिया का आप इमेज अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर क्यों होता है। तो देखो दोस्तों ये नेजल कैविटी रहता है, ये माउथ रहता है, ठीक है, माउथ से ये आपका निकलती है एलिमेंट कैनाल्स, ठीक है, एलिमेंट कैनाल्स, यहाँ आपका फूड है, ठीक है, यहाँ पर आपका है एपिग्लोटिस, यहाँ पर आपका क्या है एपिग्लोटिस, यहाँ है लैरिंग्स। देखो दोस्तों इसमें क्या है कि ये नॉर्मल वे है और एक रहता है रहेगा एब्नॉर्मल। नॉर्मल वे में कैसे रहता है कि ये एपिग्लोटिस इस तरफ है, मतलब दोनों के बीच में इजीली भोजन, जो एलिमेंट कैनाल है उसमें भोजन आराम से जा रहा है, इसमें पेन नहीं रहेगा और दिक्कत भी नहीं होगी। इस कंडीशन में देखो ये एलिमेंट जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो आपका एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस इसको कवर कर लेता है, तो इसको निगलने में दिक्कत हो रही है। तो ये जो निगलने में जो दिक्कत हो रही है इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिसफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग टीथ आर यूजुअल फॉर क्रशिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ फूड, ऑप्शन ए कैनाइन, ऑप्शन बी मोलर, ऑप्शन सी इंसिजर और ऑप्शन डी प्रीमोलर। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर मोलर। इसके बाद में जो नंबर ऑफ टीथ ह्यूमन में कितने रहते हैं, 32, और जो दूध के दांत होते हैं जो डेडिजस टीथ बोलते हैं वो कितना रहता है, 20। इसके अलावा दोस्तों अपन इस सभी जो टीथ रहते हैं नॉर्मली 4 टाइप्स के रहते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सभी का मैंने साइज आपको एक एक अच्छे से बताया ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है, और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा। ये टीथ का साइज है या शेप है कैसा रहता है
अभी बात करते हैं कहाँ पे क्या रहता है, तो ये कैनाइन इनको सबको बता रखा है, एक फॉर्मूला रहता है जिसको बोलते हैं ICPM, आई मतलब इंसिजर, सी मतलब कैनाइन, इसके बाद में पी मतलब प्री मोलर और एम मतलब मोलर। तो जो बीस के दांत होते हैं इसको ये इसको बोलते हैं इंसिजर, इसके बाद में होता है कैनाइन, इसके बाद में जैसे आगे बढ़ते जाओगे प्री मोलर, उसके बाद में लास्ट में क्या रहता है मोलर रहता है। तो इनका जैसा इस तरफ क्रम है वैसा इस तरफ क्रम भी रहेगा, जिस तरह इस क्रम में वैसा इस तरफ भी रहेगा, इस तरफ भी रहेगा, ये इनके तीत का क्रम है। इसके नंबर ऑफ तीत कितना रहता है 32। अभी अपन आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, पार्ट वन ने कुछ डिस्कस किए, कुछ पार्ट टू में डिस्कस किए, अभी अपन कुछ की पॉइंट का भी डिस्कस करेंगे। जो पेल पिंक स्टोमा, मैंने आपको कोलेस्टोमी के स्टोमा के बारे में कुछ डिस्कस पार्ट वन में किया, अगर पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन जरूर देख लेना। तो पेल पिंक स्टोमा किस में रहता है, जब हीमोग्लोबिन लेवल लो रहता है। इसके बाद में एक और है पर्पल ब्लैक स्टोमा कॉम्प्रेस ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रेज हो जाता है, दब जाता है, उसकी वजह से क्या ब्लड सप्लाई कम होगी, उसकी वजह से कैसा स्टोमा हो जाएगा ब्लैक कलर का। और अगर हीमोग्लोबिन लो है तो कैसा हो जाएगा पेल पिंक। इसके अलावा एनोरेक्सिया क्या होता है, लो ऑफ द एपेटाइट, भूख कम लगने को क्या बोलते हैं एनोरेक्सिया। एलोप्सी क्या रहता है, लॉस ऑफ द हेयर, हेयर का जो लॉस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं एलोप्सिया। इसके बाद में एफेजिया, लॉस ऑफ स्पीच। इंसोमनिया, लॉस ऑफ स्लीप। हेमिटोसिस, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड और ब्लड इन वॉमिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉमिटिंग ऑफ ब्लड या ब्लड इन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के साथ में जो ब्लड रहता है उसको क्या बोलते हैं हेमेटोसिस। एक है हीमोप्टाइसिस, अगर वॉमिटिंग सॉरी ब्लड इन स्पूटम, स्पूटम के साथ जो ब्लड आता है उसको हीमोप्टाइसिस बोलते हैं, और वॉमिटिंग के साथ में जो ब्लड आता है उसको हेमेप्टाइसिस बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आपको समझना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो कोलेसाइटिस होता है, क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। AST क्या रहता है एस्पा ट्रांसप्लांट, और इसका दूसरा नाम SGOT भी बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लिवर मार्कर में गिना जाता है। SGOT का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, SGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्जिलो एसिटिक ट्रांसप्लांट, ठीक, और ALT एलिनिन ट्रांसप्लांट, इसको SGPT भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लिख लेना। इसके बाद बात करते हैं हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिटेड बाई फीको ओरल रूट बोन डिजीज रहता है, और ऑलमोस्ट आपके ऑल क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। नर्सिंग नोट्स वीडियो पाने के लिए यूट्यूब पे सर्च कीजिए मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस चैनल को। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। और दोस्तों आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, और जितने ज़्यादा कमेंट्स लाइक करते हैं उतना ही ज़्यादा हमको मोर एक एनर्जी मिलती है, मोर मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों लाइक कमेंट कीजिए, थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।